आपका पहला प्रश्न है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? आपके ऑप्शन है ए संतरा, बी कीवी, सी अनार, डी खजूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कीवी। आपका दूसरा प्रश्न है, सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए डॉल्फिन, बी व्हेल, सी शार्क, डी रोहू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉल्फिन। आपका तीसरा प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी नेपाल, डी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। आपका अगला सवाल है, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? आपके विकल्प है ए मोर, बी तोता, सी कबूतर, डी हंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कबूतर। आपका पांचवा प्रश्न है, न्यूज़पेपर किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? आपके विकल्प है ए बांस, बी नारियल, सी केला, डी नीम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बांस। आपका अगला सवाल है, प्लास्टिक बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आपका सातवां सवाल है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपके विकल्प है ए दो दांत, बी 15 दांत, सी 20 दांत, डी 26 दांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 दांत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आठवां सवाल है, बकरी के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन डी। आपका अगला सवाल है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? आपके विकल्प है ए हरा, बी सफेद, सी नीला, डी काला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीला। आपका दसवां सवाल है, चांद पर खेला जाने वाला पहला खेल कौन सा था? आपके विकल्प है ए क्रिकेट, बी गोल्फ, सी पोलो, डी बैडमिंटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोल्फ। आपका अगला सवाल है, एक इंसान लगातार कितने दिनों तक जाग सकता है? आपके ऑप्शन है ए 4 दिन, बी 5 दिन, सी 8 दिन, डी 11 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11 दिन। आपका अगला सवाल है, किस जानवर की जीभ नीली होती है? आपके ऑप्शन है ए जिराफ, बी तेंदुआ, सी कंगारू, डी भालू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिराफ। आपका 13वां प्रश्न है,
दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके विकल्प है ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नील नदी। आपका अगला सवाल है किस भाषा को देववाणी कहा जाता है? आपके विकल्प है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी उर्दू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत को। आपका 15वां प्रश्न है किस फल को फ्रिज में रखने जहर बन जाता है? आपके ऑप्शन है ए अनार, बी पपीता, सी आंवला, डी तरबूज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तरबूज। आपका अगला प्रश्न है झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए उदयपुर, बी जयपुर, सी श्रीनगर, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उदयपुर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? आपके विकल्प है ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। आपका 18वां प्रश्न है कबड्डी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके विकल्प है ए 5 खिलाड़ी, बी 6 खिलाड़ी, सी 7 खिलाड़ी, डी 10 खिलाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 खिलाड़ी। आपका अगला सवाल है वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए रेडिएटर, बी रेफ्रिजरेटर, सी कार्बोरेटर, डी इनमें सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेडिएटर। आपका 20वां सवाल है विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके विकल्प है ए 5 मार्च, बी 14 सितंबर, सी 9 अक्टूबर, डी 15 नवंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9 अक्टूबर को। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।